दिस इज सानिया इलियास फ्रॉम न्यूक्लियस मार्केटिंग और कराची में बेशुमार सक्सेसफुल कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स डिलीवर करने के बाद फलकनाज ग्रुप लाया एक नया हाउसिंग प्रोजेक्ट। आज की वीडियो में हम लोग स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं कि डिस्कवरी गार्डन में इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। सो द नंबर वन रीज़न इज़ इकोनॉमिकल। डिस्कवरी गार्डन बहुत ही इकोनॉमिकल है, नहायत मुनासिब रेट्स के ऊपर आप यहाँ पे प्लॉट की बुकिंग करवा सकते हैं। सेकंड रीज़न इज़ प्री लॉन्चिंग रेट्स, यहाँ पे प्री लॉन्चिंग रेट्स के ऊपर आप प्लॉट्स की बुकिंग करवा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह फलकनाज वालों का प्रोजेक्ट है, जिन्होंने तकरीबन 30,000 के करीब रेजिडेंशियल और 20,000 के करीब कमर्शियल प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं कराची में। और अगर लोकेशन की बात करें तो ये M2 के ऊपर वाक़ है और न्यू इंटरनेशनल इस्लामाबाद एयरपोर्ट से चंद मिनट की मुसाफत पर जो है ये सोसाइटी लोकेटेड है। और उसके अलावा इसका अपना डेजिग्नेटेड इंटरचेंज भी बनेगा M2 के ऊपर। और अगर इस सोसाइटी की यूनिकनेस या मेन अट्रैक्शंस की बात की जाए तो यहाँ पे सिक्स फ्लैग्स अमेरिकन कंपनी एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का थीम पार्क बनाएगी, जहाँ पे शूटिंग और हॉर्स राइडिंग क्लब्स भी होंगे। उसके अलावा यूपी यूनिवर्सिटी के दो मेन कैंपसेस यहाँ पे बनेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे 1200 कनाल पे मुश्तमिल एक जंगल बनाया जाएगा, जहाँ पे फ्रूट ट्रीज वगैरह होंगे। और इसके अलावा यहाँ पे आपको लेक व्यू टेरेसेस अपार्टमेंट भी देखने को मिलेंगे। और अगर आपके कुछ मजीद सवालात हैं डिस्कवरी गार्डन को लेकर या इन्वेस्टमेंट पर्पस से रिलेटेड, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, जहां हमारी टीम आपकी रहनुमाई के लिए मौजूद है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।